नानी आ चुके हैं, मैं उनको नीचे लेने जा रहा हूँ। हेलो गाइस, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और गाइस अभी ना मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ। और गाइस आज ना हमारे घर में आने वाला है एक गेस्ट जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। गेस करो गाइस क्या है, 1 2 3। गाइस हमारे घर में ना अभी मेरे नानी आने वाले हैं, तो भाई बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। इसीलिए गाइस मैं सुबह से ना स्कूल भी नहीं गया। तो अभी सुबह के कितने बजे हैं मैं आपको बताता हूँ। फोन ले लूँ, 12:14 हो चुकी है। तो फिलहाल मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ ना, वो देख के आप डर जाओगे, इसलिए आप खड़े हो तो बैठ जाना, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये वाला दांत भी गिर गया और ये वाला। मैं बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा हूँ, मुझे पता है, कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मैं अजीब ही लग रहा हूँ, लेकिन गाइस क्या कर सकते हैं, टूटने की उम्र है अभी, तो मेरे दांत टूट गई। तो भाई मम्मी ने ना मुझे एक चीज़ बताई है जिससे मेरे दांत कम टूटेंगे, मतलब दोनों साथ में गिर गए ना, तो मुझे थोड़ा बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। फिर भी मैं ब्लॉग को बना रहा हूँ बिना शर्माए। तो मम्मी ने बोला है कि लौंग को ना मुंह में रख, लौंग होता है ना उसके मुंह में रख। तो मैं काम करूँगा, दिन में एक बार खा लूँगा लौंग को, क्या है भाई, ट्राई करने में कुछ ज़्यादा है क्या। और मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा कीबोर्ड हम लोग लाए थे ना अगले ब्लॉग के अगले पता नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ उसको मैंने कैसे सेट करके रखा है। गाइस ये रहा मेरा कीबोर्ड जो मैंने 2 दिन से बन रखा है। पहले मैं यूज़ करता था लेकिन अब मैंने यूज़ करना बंद करा है। मैं आपको बताता हूँ खोल के ये कैसा लग रहा है। कैसे खोल रहा है देखो, ये रहा कीबोर्ड, इस पर देखो धूल लग गई है। लेकिन गाइस अभी भी मैं इसको बंद ही रखूँगा, एग्ज़ाम के बाद ही निकालूंगा मैं इसको। और देखो ये रहा मेरा सब कीबोर्ड की चीज़ा का सामान, मतलब जो जो होता है ना। मैं बताता हूँ गाइस, मुझे ना बहुत ही ज़्यादा ऐसी सब चीज़ा रखने का शौक़ है। ये कुछ चार्जर वगैरह मम्मी ने डाल दिए अंदर, चार्जर मैंने नहीं रखा था। ये भुइया M1 माइक का है, ये रहा कहाँ गया भुइया M1 माइक। हाँ ये रहा, 2 माइक पैसे मिक्स हो चुके हैं, ये वाला और ये वाला देखो। और ये कुछ OTG वगैरह है, लैपटॉप की चिप, मेमोरी, ये कुछ सामान है। भाई का ना गाइस गजब लेवल का सीन हो चुका है। ये रहे उसकी Insta ID। तो इस पे ना फॉलो का ग्लिच हो चुका है, पता नहीं क्या। तो मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ क्या हुआ इसका, पता तो कल क्या हुआ। फॉलोवर आते हैं पर दिखते नहीं है, ये 47 पे अटक गया। जैसे कि देख, अनफॉलो किया 46 47 दूर करे, सुबह से ये ग्लिच हो चुका है। ये रहे इसके कुछ रील्स वगैरह। और गाइस मेरे भाई की ना एक रील्स मिलियन पे गई थी। कब गई थी? हाँ ये रहे 1.6 मिलियन। भाई बिना मम्मी किचन पे खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या बन रहे हैं मम्मी? दाल पुलाव। वाओ, आज तो गाइस खाने में मजा ही आ जाएगा। दाल ना गाइस अभी बनी नहीं है, बनना बाकी है। और चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। पुलाव है? मुझे लगा चावल है। हाँ गाइस दाल पुलाव है तो पुलाव भी होगा। तो पुलाव भी हमारे रेडी हो चुके हैं लेकिन दाल अभी नहीं हुई है। मुझे ना भूख लगी है लेकिन क्या कर सकते हैं, जब नानी आएंगे तब हम लोग खाएंगे। नानी के गाइस, नानी आते ना गाइस अलग लेवल की खुशी होती है। मेरे भाई ने सोचा कि हम लोग चेस रम लेते हैं, हम दोनों ने साथ में नहीं सोचा, क्योंकि गाइस 2-3 दिन से ना हम लोग चेस ही रम रहे हैं। ये ऊपर वाला फरहान है ना वो लेके आया था, मतलब 5वें माल पे रहता है, इसीलिए हम लोग ऊपर वाला फरहान कहते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग चेस रम रहे हैं। नानी आ चुके हैं, मैं उनको नीचे लेने जा रहा हूँ, क्योंकि गाइस वो ना ये वाली लिफ्ट में फर्स्ट टाइम बैठने वाले, मतलब ये जेनब की लिफ्ट में। आपको पता ही है कि ये क्या है, कई बार फंस जाती है तो ऊपर से खोल के निकलना पड़ता है, जो सिर्फ हम लोगों को आता है, जो लोग यहाँ रहते हैं ना उनको ही आता है। तभी हम लोग एक काम करते हैं, लेने चलते हैं नीचे। नानी अस्सलाम वालेकुम। फाइनली नानी आ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है मुझको। बनाए
अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। देखो अब पैन हिल गए। गाइस फाइनली नानी आ चुके हैं और हमारा ना खाने का समय हो चुका है, तो मैं एक काम करता हूँ खा लेता हूँ। मम्मी देखो मम्मी अभी खाना पका, हाँ मम्मी अभी सलाद तैयार कर रहे हैं, खाना तो बन चुका है। तो बिना हम लोग खाने बैठ चुके हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से। हम लोग ना गाइस वैसे बैठ रहे ना मज़ा नहीं आता, लेकिन घर में एक मेंबर बढ़ चुका है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइस मेरे लिए ना खाना आ चुका है, ब्राउन राइस और दाल पुलाव, मतलब जो है वो दाल पुलाव। वाओ कितनी ज़्यादा बढ़िया, और प्याज तो हाँ कचिम्बर। तुम आपसे खा के मिलता हो। गाइस अभी ना फाइनली नानी के जाने का टाइम हो चुका है। मम्मी नानी मतलब नानी घर नहीं जा रहे हैं, मामा के वहाँ जा रहे हैं मेरी बहन नानी और मम्मी। कल है शादी, इसीलिए गाइस नानी है ना मामा के वहाँ भी जाएगी, मामा के वहाँ से शायद रात ना मामा के वहाँ ही रहने वाले हैं। तो कल शादी है, कल नानी भी शादी में आएंगे, सब भी लोग आएंगे गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कल का ब्लॉग भी आप देख लेना। बिट्टू नानी को बोल दे अस्सलाम। नीचे आ चुका और रात हो चुकी है। हमने ना ईद मिलाद के लिए पूरा सजाया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। देखो पूरा ना प्रॉपर है, क्या ही बढ़िया लुक आ रहा है। इसको मत देखना, वो सब चीजें देखना। अभी गाइस फाइनली मैं घर पर आ चुका हूँ और रात हो चुकी है और सुबह में हमको जाना है शादी के लिए। तो फटाफट मैं व्लॉग को एंड करूँगा और एडिटिंग करने बैठ जाऊँगा, क्योंकि गाइस सुबह में जल्दी उठना है। तो फिलहाल मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। नानी आएंगे तब उनके साथ ही खाने बैठेंगे, तो फिलहाल तो अभी मैं टीवी देख रहा हूँ। तो आपसे खा के क्या बोल रहा हूँ, तुम आपसे सो के मिलता हूँ, अभी मैं सोने जा रहा हूँ।